देखिए कार आ चुकी है और मैं ये अंदर जा रहा हूँ। चलिए और ये हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है। हाय दोस्तों, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है और हम जा रहे हैं बनी पनियार। दोस्तों वो काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, काफी लोग घूमने आते हैं वहाँ पर। दो तीन नदियों का शायद कुछ वो है, तो आप देखिए बहुत बेहतरीन हरियाली वाली जगह है। और ये हमारे दोस्तों के साथ में पार्टी चल रही है। ये तो अपना अपना परिचय दे दो। निखिल, ये अल्ताफ, और ये भाई हमारा क्या नाम है आपका? सैलेन भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ब्रीफ करने के लिए मैंने दोबारा से चुका हूँ। ब्रीफ में यह है कि यदि आप बनी पनियार का ट्रिप करना चाहते हैं तो सबसे पहले, जैसे मैं ग्वालियर में रहता हूँ तो ग्वालियर से जो रूट है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। जैसे जैसे बीच में जो भी आता जाएगा मैं आपको ब्रीफ करता रहूँगा। तो कंटिन्यू वॉच वीडियो। तो दोस्तों ग्वालियर से किलोमीटर में देखा जाए तो बनी पनियार करीब 30 यानी कि 30 किलोमीटर दूर है, और अगर मिनट में लगाया जाए तो करीब 42 मिनट में अपन वहां बाइक कार पहुंचेंगे। और अभी प्रेजेंट में टाइम में पहुंच चुके हैं नाका चंद्रबंदी, और वहां से आप निकल सकते हैं। ठीक है, अभी अपन कहां है? अभी अपन पहुंच रहे हैं नाका चंद्रबंदी, जहां से अपन नेहरू पेट्रोल पंप से हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको एक बहुत ही फेमस ग्वालियर में टेम्पल है जिसे गुप्तेश्वर महादेव भी कहा जाता है। वहाँ से आप सीधे डायरेक्ट वे है जिससे आप निकल सकते हैं बनी पनियार के लिए। जो कि बनावना है, टेगरा है। और हाँ दोस्तों, ट्रैफिक तो, अगर आप ट्रैफिक के आदि नहीं है तो बिल्कुल ट्रैफिक तो आपको मिलेगा ग्वालियर में। और हाँ दोस्तों, यदि आप ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो बाय प्लेन आइए, फिर सीधे उड़ के आइए, बाय रोड मत आइए। मजाक था। आप और भी रूट हैं बनी पनियार जाने के, तो देखिए जो भी आपको सुटेबल हो उससे जाइए। ऑब्वियसली गूगल तो आप मैप सभी यूज करना जानते ही हैं, उसकी मदद लीजिए, हो जाइए, एंजॉय कीजिए। दोस्तों यही तो वैसे ही दोस्तों ग्वालियर में काफ़ी बारिश हो रही है, दो तीन दिन का मानसून, हाँ काफ़ी टाइम के बाद भी बारिश हो रही है। और मानसून मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि 3 या 4 दिन ग्वालियर चंबल संभाग में हैवी बारिश होगी, तो उसका एंजॉयमेंट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए व्यूज़ दोस्तों, ग्वालियर में अगर देखा जाए तो ग्वालियर वैसे पहाड़ों का ही शहर बोला जाता है, तो काफ़ी आपको पहाड़ी यहाँ पर मिल जाएंगी, और साथ में ये कुछ अजीब सी चीज़ें। सो दोस्तों अभी हम रुके हैं एक शॉप पर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थोड़ा सा वो ले रहे हैं, जो दोस्तों को काफ़ी पसंद है। तो फिर आगे ट्रिप में देखते हैं। अगर आप, मैं यहाँ पर बताऊँ तो सीन कुछ ऐसा बनता है, देखिए। ये देखिए दोस्तों सीन, देखिए आप, बेहतरीन सीन है हरियाली चादर के साथ। क्या करा हमारा?
और ये दोस्तों हम शिवपुरी हाईवे से कनेक्ट हो चुके हैं जाने के लिए। बनिया बनियार वाला बिल्कुल सीधा रूट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो में बने रहिए, देखिए। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, देख पा रहे होंगे सीन, देखिए आप। मतलब अगर आप रेनी सीजन में आएंगे तो इतना बेहतरीन मौसम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। तो वहाँ सामने आप पहाड़ देख रहे होंगे, उस पर ओस यानी कि बारिश हो रही है, वहाँ पर देखिए बादल पर, बहुत ही बेहतरीन व्यू है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। देख लो अगर कुछ सीन याद आ रहा हो तुम्हें। आगे अपन तो आगे जाएंगे, देखिए अपन तो आगे जाएंगे, कर सकते दोस्तों। सीन बहुत बेहतरीन है, देखिए ये कभी भी बीच लहर में नहीं जाना चाहिए, ये बहुत रिस्की काम है। दोस्तों ये वो रिवर है, देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन सीन है, और काफी लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं, आप देखिए ये बेहतरीन सीन है दोस्तों। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बहुत बेहतरीन, अमेजिंग ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। तो दोस्तों ये वो रिवर है और वहाँ पर हम आगे जाके यहाँ पर नहाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन सीन है दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेहतरीन। आप पीछे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये जो हिल आपको दिख रहा है उसके ऊपर जो बारिश हो रही है, कितनी बेहतरीन प्यारी सी लग रही है, देखिए दोस्तों। यदि आप बारिश का पानी का प्रेशर देख पा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ बीच में कुछ लोग नहा भी रहे हैं, जो काफ़ी रिस्की है, ऐसा करना नहीं चाहिए, कभी भी बीच नहर में आपको नहीं नहाना चाहिए, जिससे कई हादसे भी हो सकते हैं। और ये मेरा दोस्त है कुछ मस्ती के मूड में, वहाँ दोस्तों कुछ हमने फोटोज़ क्लिक किए थे जो देख लीजिए आप, बहुत ही बेहतरीन फोटोज़ आए। और ये हम दोस्तों पहुंच चुके हैं, आप काफ़ी यहाँ पर कार्स देख भी रहे होंगे, ऑटो भी है, हाँ हाँ साथ में ऑटो भी है, बोलने वाला था मैं वो नहीं बोलने वाला था, बाइक नहीं बोलने वाला था बैटरी ये तो अभी शुरुआत हुई है,
आप ले लेके आ रहे हैं? सब लेके आते हैं, सब लेके आते हैं अपनी व्यवस्था। एक उधर उधर गए हो क्या? ये दोस्तों देखिए सीन, आप बेहतरीन दोस्तों ये सीन है, देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सीन है ये। आपको रिवर का पानी दिख रहा होगा, काफी बेहतरीन ये देखिए। सो ये आपको दोस्तों नीचे आना पड़ेगा और बेहतरीन आपको दिख पा रहा होगा। ये सीन है दोस्तों, और यहाँ से उतरने के लिए थोड़ा सा बी केयरफुल क्योंकि बारिश हो रही है, स्लीपी जगह है, आप स्लिप हो सकते हैं और मुझे भी लग रहा है मैं कहीं स्लिप ना हो जाऊँ, गिर ना जाऊँ। तो दोस्तों पानी का प्रेशर आप देख पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन है। सो दोस्तों पानी का प्रेशर काफ़ी है और आप देख पा रहे होंगे जगह बहुत बेहतरीन है। तो बी केयरफुल होकर आपको चलना होगा, बेहतरीन जगह दोस्तों। यहाँ पर कुछ फैमिलीज भी हैं तो देखिए और नज़ारे का आनंद लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और ये वाटरफॉल टाइप का आपका हो चुका है, पानी के प्रेशर से आप समझ सकते हैं कि क्या पानी का प्रेशर है। और मैं यहाँ पर दूसरी बार आ रहा हूँ दोस्तों, मैं उस तरफ जाके हम लोग पार्टी दोस्त फ्रेंड्स वगैरह करते थे, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है और मौसम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मेरे दोस्त अभी तक ऊपर से आ नहीं पाए हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बनी बनिहार की ट्रिप समाप्त होती है। कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जगह आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो जो फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है आपको किस तरह से लगी बताइएगा। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें लव ट्रिप ब्लॉग्स को, और ये हमारी जर्नी समाप्त होती है जहाँ से हमने शुरू की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।